नेहा कक्कड़ डिप्रेशन में है। नेहा कक्कड़ ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है कि यस आई एम इन डिप्रेशन, हाँ मैं डिप्रेशन में हूँ। बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ को लेकर कुछ दिन पहले खबर आई थी कि उनका अपने बॉयफ्रेंड हिमांश कोहली से ब्रेकअप हो चुका है। नेहा कक्कड़ ने बगैर किसी परवाह के अपने काम में मन लगाए रखा और ब्रेकअप पर ज्यादा फोकस नहीं किया। वैसे भी नेहा कक्कड़ को उनकी खुश मिजाजी और खिलखिलाती आवाज के लिए पहचाना जाता है। नेहा कक्कड़ के इंस्टाग्राम पेज से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह ब्रेकअप के झटके से उबर गई हैं, लेकिन अब नेहा कक्कड़ की चौंकाने वाली इंस्टाग्राम स्टोरी सामने आई है। नेहा कक्कड़ ने खुलकर अपने दिल की बात फैंस के सामने रख दी है। नेहा कक्कड़ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा है, हाँ मैं डिप्रेशन में हूँ। इस दुनिया के सभी निगेटिव लोगों का आभार है, आप लोग मुझे जिंदगी का सबसे खराब दौर देने में सफल रहे। मुबारक हो, आप सफल रहें। मैं आपको एक बात साफ करना चाहूंगी कि ऐसा किसी एक या दो लोगों की वजह से नहीं है, ये उस दुनिया की वजह से जो मुझे मेरी पर्सनल लाइफ भी जीने नहीं दे रही है। इस तरह नेहा कक्कड़ ने उनकी पर्सनल लाइफ में दखल देने वाले लोगों की अच्छे से खबर ली है। हालांकि नेहा कक्कड़ ने इंस्टाग्राम पर अपने अगले शो के बारे में भी जानकारी दी है। नेहा कक्कड़ ने हिमांश कोहली से ब्रेकअप के बाद एक इमोशनल पोस्ट भी लिखी थी। नेहा कक्कड़ ने लिखा था, मुझे नहीं पता था इस दुनिया में इतने बुरे लोग भी होते हैं। खैर, सब कुछ गवा के होश में अब आई तो क्या किया, मैंने अपना सब कुछ दे दिया और मुझे बदले में मिला, मैं बता नहीं सकती कि क्या मिला। बता दें, इंडियन आइडल के सेट पर भी हिमांश कोहली आ चुके हैं, जहां दोनों ने अपनी फीलिंग्स शेयर की थी। नेहा कक्कड़ इस शो में जस्ट थी।